फीलिंग वेरी एंथुसियास्टिक एंड सबसे पहले तो जो एंथुसियाज्म पे समाज बांधा है उसके लिए मैं आपको पहले थैंक्स. अरे सो ये एक बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, ये किसी बर्थडे से कम नहीं मेरे लिए. आई थिंक ये मेरे लाइक मार्किंग हो गया इस दिन के. और इस गाने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और वो कहानी आप सब लोगों ने देखी है, सुनी है. आज मेरे पास मौका मिला कि मैं आप सब लोगों को लाइव सुनाना चाहूँ. और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसको कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कनेक्ट करने के लिए. एंड मेरा मानना है कि जो मेलेडीज़ है, मेलेडीज़ का लाइफ का कोई एक्सपायरी नहीं होता है, मेलेडीज़ हमेशा सर्वाइव करती है. एंड मैंने सोचा कि मैं अपने ऑडियंस के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए जो भी कन्वे करना चाहता हूँ वो मेलेडीज़ के थ्रू कन्वे करूँ. एंड ये जो गाना है इसमें अगर आप लोगों ने सुना होगा, और जैसा कि इन्होंने कहा कि जो इसका टाइटल है रूहानियत, उसमें ही एक बहुत ओल्ड स्कूल वाइब है. और पर्पस ये था गाने को लिखने के पीछे कि उस वो जो दौर था 70s 80s में जो म्यूज़िक आता था उसमें जो एक सिंप्लिसिटी थी उसको वापस रिवाइव किया जाए, क्योंकि हमारे पास उस तरह का म्यूज़िक है वो जो आज के एरा में बहुत डिमांडेड है, ऐसा मुझे फील होता था. क्योंकि जिस प्यार में सिर्फ कहते ना कि वो प्यार सिर्फ रूहानी है, जिस्मानी नहीं है. अब उस प्यार की एक झलक जो है उसको ढूंढने में निकला और तब रूहानियत हुआ. एंड बड़े खूबसूरत वीडियोस जो हैं रीवा बनाती हैं. एंड सो गुड टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग, बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत है सर. इस गाने की खूबसूरती अक्सर यू नो तभी निखर के आती है जब इस गाने को उसी रूह के साथ महसूस करके सुना जाता है. एंड ये दोनों यकीनन बेहद खूबसूरत लग रहे हैं इस गाने में भी एंड यहाँ पे भी. मीडिया फ्रेटर्निटी टू प्लीज हैव अ ग्रेट फोटो ऑफ सेशन फॉर अनीश शाबरा एंड रीवा अरोड़ा. प्यार से खा जाऊंगा अपना मिलन तो होगा कभी रूहानियत तेरे दिल की रूहानियत मेरे दिल से. क्या बात है यार, देख हाउ ब्यूटीफुल यू नो. इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे पूरी कास्ट एंड क्रू है, चाहे वो म्यूजिक टीम हो चाहे वो डायरेक्शन. तो ये गाना जो है वो जैसा गाने का नाम है रूहानियत, और ये गाना बहुत ही रूहानी मौसम में और बहुत ही रूहानी सोच के साथ बनाया गया है. एक अंदर से हमेशा से एक मेरे म्यूज़िशियन का एक बुलावा था कि पुराने जो गाने हैं जो 70s 80s में हम सुना करते थे उन गानों में एक अलग पहचान होती थी जिनको हम अभी भी सुनते हैं, और उस तरह की पहचान को वापस लाने के लिए एक सोच थी कि क्यों ना एक ऐसा गाना बनाया जाए जिसमें सीधा दिल से आपको आवाज़ आए कि एक आपको अलग लगन है. और एक प्यार होता है ना जिसमें आपको एक शर्म होती है, आप आँखों में भी देखते हैं तो आपको एक
एहसास होता है कि आपको अगले इंसान के लिए कुछ एक फीलिंग्स है और वो कन्वे करने के लिए एक ज़रिया होना चाहिए, और वो ज़रिया मैं चाहता हूँ रूहानियत के थ्रू बने। और इस गाने के पीछे बहुत समय बिताया हमने, बहुत मैंने इसको लिखने में और इसको कंपोज करने में काफ़ी समय बिताया, और जब इसको गाया मैंने तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एक बहुत सिंपल मेलोडी ऐसा होना चाहिए जो हर कोई इंसान गा सके, जो हमारे साथ सब दोहरा सके, ऐसी मेलोडी होनी चाहिए जो हर किसी के गाने के लिए बहुत उसका चलन बहुत आसान होना चाहिए। और बहुत मज़ा आया मुझे गाना शूट करते टाइम, और फिर जब रीवा से मुलाकात हुई, जब रीवा के साथ इंट्रोडक्शन हुआ इस सॉन्ग के लिए, तो मुझे तब फीलिंग आई कि रूहानियत कंप्लीट हो गया है अभी। एंड आप देख ही सकते हैं आज आप लोगों को रूहानियत कंप्लीट फील हो रहा होगा। I am just glad to be a part of this, and I'm so happy, you know. The shoot, it was amazing, everything was amazing, we had a lot of fun shooting. It's great to be a part of this song, and just the way Ruhaniyat is, go give it all of your love, guys, because it is made with heart and a lot of, you know, effort. Right. मेरा सवाल आप दोनों से है कि इट्स अ वेरी वेरी यंग टीनेज लव सॉन्ग, राइट? इट्स गॉट वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स, ब्यूटीफुल मेमोरीज, इट टेक्स यू बैक टू योर स्कूल, राइट? नीश, पहले आपसे, फिर रीवा आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों की क्या मेमोरीज हैं? राइट, एक बड़ा ऐसा हर व्यक्ति के साथ में मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप जितने भी लोग मौजूद हैं और आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम सब लोगों के बचपन में हमेशा एक ऐसा एक घटना होती है कि हमें किसी किसी भी इंसान के प्रति एक एक ऊर्जा होती है किसी में, जो हमारे लिए जागती है कि यार एक अलग तरह का हमें उनके लिए एक लगन होती है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे किसी भी प्रकार से, और उस अट्रैक्शन में कोई भी गलत सोच नहीं हो सकती, क्योंकि जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप होती है उसमें बहुत प्योरिटी होता है, और उस प्योरिटी को दर्शाने के लिए, वापस उस थॉट को रिवाइज़ करने के लिए, मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना एक वो जो बचपन का प्यार होता है या जो बचपन की दोस्ती होती है उसमें जो सच्चाई और उसमें जो एक इनोसेंस होता है, उस इनोसेंस को ब्रिंग बैक करने के लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। और जब इस गाने की थॉट में और जब इस गाने की कंसेप्ट को हमने सोचा कि इसको कैमरा के आगे हम लोग पिक्चराइज करेंगे और सेम चीज़ को हम दोहराएंगे, उस इमोशंस को वापस इमोट करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उस दौरान ये सोच आई कि क्यों ना उस बचपन के किरदार को हम एक रिलेशन दें, और हम कैसे वापस इतने सालों बाद हमने एक मुलाकात करिए, उस प्रकार का एक स्टोरी को हम कैमरा के आगे दर्शा के आप लोगों के आगे प्रस्तुत करें। और बहुत ही ब्यूटीफुली हमने शूट किया उसको, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। इस सॉन्ग के अंदर दो चाइल्डहुड कैरेक्टर्स भी हैं, उनके अंदर हमें वो इनोसेंस दिखा शूट के टाइम पे, और वो हमें और एक्स्ट्रा इंस्पायर करा था उसी टाइम वही चीज़ इमोट करने के लिए, इनैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो लाइव हमारे सामने हो रहा था कि जो एक फ्रेंडशिप और जो एक कंपेनियनशिप बच्चों में होती है, वो कंपेनियनशिप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू हो सकती है, और उस तरह के प्यार को हमेशा एक उसको एक रूप देने के लिए हमारी रूह ही हमें बोल सकती है, और रूह से रूहानियत का जन्म हुआ। और इसी तरह फिर जब रीवा से मुलाकात हुई और रीवा के साथ शूट एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरा रूहानियत कंप्लीट होता गया, और आज आप लोगों के सामने ये और कंप्लीट हो गया। So this song, you know, is about young love, and you know, many people will relate to this song, you know. इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी स्टोरी है, एंड आई जस्ट होप दैट यू गाइस लव इट, बिकॉज दिस रिमाइंड्स मेनी पीपल ऑफ देयर स्टोरी, एंड आई नो मेनी पीपल वुड रिलेट टू इट। जो लोग यहाँ पे हैं, मे बी सम पीपल वो भी रिलेट करें, सो इट्स जस्ट अ वेरी क्यूट, अ वेरी नाइस सॉन्ग, एंड आई होप यू गाइस लव इट। सो हियर इज रूहानियत फॉर यू गाइस। सर एक्चुअली आपने जो सोच है ना मेरी, और जो मेरा सीक्रेट है वो छीन लिया आपने सवाल का, क्योंकि पार्ट टू का प्लानिंग पार्ट वन के होने से पहले ही मैं सोच के बैठा हूँ, और अब आपने उस बात का जवाब भी दे दिया, और इसी सोच के साथ जब आप सब लोगों के सामने बात हो ही चुकी है, तो डेफिनेटली रूहानियत पार्ट टू का भी प्लान होगा। आप रूहानियत वन को
बहुत प्यार दीजिए, शेयर करिए, आप अपने रिलेशन उससे आप अपना उसमें अपना एक एक्सपीरियंस ढूंढिए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सबको अपना कोई ना कोई एक कोई ना कोई एक पार्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर उसी तरह की प्रकार की आपकी भी कोई एक मेमोरी होगी। तो जैसे आप वो रिलेशन में इवॉल्व होंगे, आई एम श्योर पार्ट टू भी आपके आगे जल्दी निकल आएगा। मैम रूहानियत पार्ट टू के साथ साथ बहुत सारे और बहुत सारी मेलेडीज़ हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल, और रूहानियत वन इतना स्पेशल है तो आप समझ सकते हैं कि रूहानियत पार्ट टू भी बहुत स्पेशल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, क्योंकि कोयला गर्म होने के बाद ही हीरा बनता है। Anish for quite a long time right now, and I'm sure आप लोग सब लोग ने गाना तो देखा होगा। He's a very beautiful singer, he's a composer. Please spread all your love, because yeah, it's his first song, and I'll tell you, it is very important to find teenage love, which has been a vacuum for a very long time. So I think you should definitely watch Ruhaniyat, and let's hope that Ruhaniyat reaches skies. My all the best wishes to Anish and obviously Reva, and good luck. Thank you so much. बहुत ही बढ़िया गाना है रूहानियत, देख के हमारी रूह खुश हो गई, एंड आई एम सो हैप्पी, रीवा इज़ लाइक फैमिली फॉर मी, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हर डेब्यू सॉन्ग, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन किया है सौरभ ने, ही इज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब विद द डायरेक्शन। तो आई थिंक अनीश का भी डेब्यू है इस गाने से, ही संग इट सो ब्यूटीफुली। बहुत मेहनत लगती है गाना बनाने में, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना बनाया, अच्छा वीडियो बनाया, एंड जी म्यूज़िक पर रिलीज़ हुआ है गाना, तो आई थिंक ये अभी मिलियंस एंड बिलियंस में जाएगा गाना, एंड आई विश देम ऑल द वेरी गुड लक फॉर दिस सॉन्ग। हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ रहे हैं ऑन यूनाइटेड वाइट फ्लैग, एंड आई एम ऑब्वियसली डूइंग फॉर अदर लेबल्स ऑल्सो, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, एंड वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद फ्रेश अपकमिंग टैलेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं आर्टिस्ट, हम उन्हें भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं हमारे साथ, एंड जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो आप हमारी वीडियोज़ में तो देखते ही रहते हैं, वेरी सून वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ सॉन्ग विद रीवा ऑल्सो, तो सुपर एक्साइटेड। मैं ये बोलना चाहूँगी कि रीवा बहुत बड़ी दिख रही है उसमें, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकते, जब व्हेन आई मेट हर वो इतनी सी थी, लाइक यहाँ तक आती थी, अभी मुझे ऐसा देखना पड़ा मतलब 3 इयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए, विच इज़ वेरी गुड। सॉरी, हाइट बढ़ गई एंड पूरी पर्सनालिटी बढ़ गई, मतलब अलग हो गई पूरी पर्सनालिटी। थैंक यू।